4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उससे दोगुना समय धारा के विपरीत दिशा में जाने में लेता है। यदि धारा की चाल धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो तैराक की चाल 7000 में क्या नहीं धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो शांत जल में तैराक की चाल क्या देखें इसको दो आदमी है तुम ठीक जा रहे हैं आपको टाइम के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स दिया है कितना निकला टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है तो हम 55 किलोमीटर जो है कल तो ऐसा बताए थे 55 किलोमीटर ऐसे हम दिए हैं डाटा दे दिए कल जो बताए थे डी पे बताए थे देखो हम बोले थे कि धारा की दिशा में अगर तैराक जाएगा तो बोट प्लस क्या होता है एस्टीम उसका रिलेटिव स्पीड होता है ठीक और धारा की विपरीत दिशा में अगर दोनों चलता है तो उसका रिलेटिव स्पीड जो होता है बोट माइनस क्या होता है एस्टीम होता है एस्टीम मतलब हो गया धारा मतलब पानी की चाल ठीक तो जब पानी की दिशा में चलिएगा तो तैराक की चाल और पानी की चाल दोनों मिल गए सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें अतिमान कृपा होगी धन्यवाद तो चूंकि हम जानते हैं कि टाइम का जो मेन रेशियो होता है क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड होता है यही होता है ना तो चलो हम लोग यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो डिस्टेंस जा रहे हैं कितना 55 किलोमीटर किस चाल से बी प्लस एस क्लियर उसके बाद 55 जाएंगे बी माइनस एस से धारा की विपरीत दिशा से आप कह रहा क्या ये चूंकि आपका हो गया समय दूरी बटे चाल आपका समय हो गया ये भी दूरी बटे चाल समय हो गया ये हो गया धारा की दिशा में समय ये हो गया धारा की विपरीत दिशा में समय तो कह रहा है इसमें जो लिया गया समय है इस समय से क्या है नहीं नहीं धारा की दिशा में लिया गया समय से ये दुगुना है तो ये भाई साहब जब दुगुना है तो हम बोले थे बैलेंस करने में जो छोटा होता है उसको हम लोग 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं धारा की दिशा में अगर 1 घंटा ले रहा है धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटा ले रहा है तो बैलेंस करने का मतलब इसको हम 2 से गुणा करेंगे अगर मान लो यहाँ पे 2 घंटा ले रहा है यहाँ 4 घंटा ले रहा है तो बैलेंस करने में इसको 2 से मतलब हमेशा छोटा क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 55 आपका कैंसिल हो जाएगा 2 बी प्लस अब दे रहे हैं बी प्लस यहाँ एस्टीम का स्पीड हम 2 किलोमीटर दिए थे 1/(b-2) अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2b-4 = b+2 ये बी यहाँ आ जाएगा बी बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर मतलब बी का मतलब होता है इसमें न हो सकता है तैराक हो सकता है यहाँ तैराक बोला तो तैराक की चाल समझिए हो ठीक लिख लें बैलेंस करना है ना ठीक है कल आप अपना नाम बताइए मनोरंजन यादव ठीक है कल रात में सूर्य यादव कमाले कर दिया बहुत ठीक रहा है ठीक है इधर हम जो है ए आर है ठीक है ठीक है आपके पास 100 रुपया है ठीक और मेरे पास 20 रुपया आप हमसे कितना गुना बढ़ी है 5 गुना अब 5 गुना फटा मतलब 5 टाइम्स आप है 1 टाइम्स हम क्लियर अब हम बराबर होना चाह रहे हैं
या तो हम क्या करेंगे आपको 5 से भाग लगा देंगे तब बराबर हो जाएगी, या तो आप हम अपने आप में क्या करेंगे 5 से गुणा कर लेंगे तब। इसमें मल्टीप्लीकेशन हुआ, छोटी यूनिट में मल्टीप्लीकेशन होता है हमेशा, समझ गए। तो यहाँ छोटी यूनिट मेरा क्या धारा की दिशा में लिया गया समय, ठीक। चलिए चलिए हम लोग चलते हैं, कहाँ पर थे इसमें बोले थे टाइप नंबर 4 आप लोग को सब बन जाएगा, सब आई होप उम्मीद करते हैं बन गया होगा, थोड़ा लंबा चौड़ा बना होगा मगर बन गया ना। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, एक ट्रायल में ले लें हम लोग, 6 नंबर को ट्रायल में लेते हुए चलते हैं। लिखा हो गया तो मिटा नहीं से, टाइप नंबर 4 का 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। कारा देखो, आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि धारा की दिशा में जाएंगे तो बी प्लस एस स्पीड से जाएंगे, और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो बी माइनस एस से जाएंगे, क्लियर। ये दो स्पीड हमेशा रिलेटिव को याद रखना है। अब यहाँ पे कह रहा है एक नाविक अपने नाव से 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, 30 किलोमीटर कहाँ जा रहा है धारा के विपरीत दिशा में, मतलब बी माइनस एस से जा रहा है, क्लियर। और उसके बाद 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है, 44 बटे क्या हो जाएगा बी प्लस एस। अब बताओ दूरी बटे चाल ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। आपका देखो यहाँ पे कुल समय उसे कितना लगता है, जाने और आने में कुल फाइनली उसको 10 घंटा का लग रहा है, 10 घंटा ले लिए, ठीक। आगे अगला टाइप कर रहा है 40 किलोमीटर की धारा विपरीत दिशा में जाने पर, 40 किलोमीटर की धारा के विपरीत दिशा में जाने पर, क्लियर। एंड 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर, 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर फाइनली कुल समय कितना ले रहा है, ये 13 घंटा का ले रहा है। तो दोनों टाइम को ऐड कर दीजिए 13 घंटा। हम बोले थे यहीं पे बैलेंस करके आगे बढ़ जाना है, क्लियर। आज हम इसी पे बैलेंस करा रहे हैं। देखो यहाँ ये 30 है, ये 40 है, मतलब इसको 4 से गुना कीजिए, इसको 30 से गुना कीजिए, तो इसका यूनिट बन जाएगा ना, मतलब इसको 4 से इसको 30 से। हम बोले थे इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको बनाना इसी तरह से, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 से गुना करेंगे तो ये फाइनली 120 बन जाएगा, और 3 से जब इसको गुना करेंगे तो ये भी फाइनली 120, और जब माइनस करेंगे तो हमारा ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ रहा, आप सॉल्यूशन करके लिखते जाइए, ठीक। ये हो जाएगा 4 गुना 4 कितना 16, 4 चौक 16 117, ठीक है। हम बोलो बी प्लस एस, उसके बाद इसको 3 से गुना कीजिएगा, 3 पचे 15 1 16, ठीक है। हम बटे बी प्लस एस बराबर यहाँ हो जाएगा 10 गुना 4 40, और 13 गुना 3 कितना 39। अब देखो 176, चूँकि सेम यूनिट है, देखोगे तो एक ही चीज़ है, बी बटे एस नीचे में, इसमें भी बी बटे एस है। 176 में से 165 को डायरेक्ट घटा लीजिए, कितना बचा 11। हाँ 11 बटे बी प्लस एस, और इधर फाइनली है इसलिए सॉल्व करोगे इम्प्लाइज डेट, तो बी प्लस एस बराबर कितना हो गया 11। बस यहीं तक जो है राम कहानी है, एक निकाल लोगे तो उसके बाद ये हिसाब जो है कमर इसका टूट जाता है। बी प्लस एस जैसे 11 निकला, अब किसी एक में इसको हम पुट कर लेंगे, बी प्लस एस को क्या करेंगे पुट करेंगे। तो हम फ्रॉम फर्स्ट में चल रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट में आया 30 बटे बी माइनस एस प्लस 44 बटे बी प्लस एस आपका कितना 11 है, बराबर कितना 10। 30 माइनस बी माइनस एस बराबर हो गया 11 चौक 44 बराबर ये 10, इसलिए 30 बराबर 30 बटे बी माइनस एस बराबर हो जाएगा 6। इसको भी काट लो 6 से 6 पचे 30, इसलिए फाइनली बी माइनस एस बराबर कितना निकल गया 5। एक आपका यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब फटाफट तुम लोग बी का पीछे से बताओ, तुम बी का वैल्यू कितना होगा, दो इक्वेशन निकल गया, बी का वैल्यू क्या होगा दिन में, बी में बी प्लस एस बराबर 11 है, यहाँ बी में एस बराबर 5, बी का वैल्यू कितना होगा, बहुत अच्छा। देखना है बी जो है प्लस का सिचुएशन में है, तो प्लस के सिचुएशन में 11 और 5 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 16 का आधा करोगे 8 हो गया, एस्ट्रीम कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6, एस्ट्रीम हो गया 3 हो गया।
होता है, बी प्लस एस बराबर ग्यारह जब निकल गया तो उसके बाद ये ठीक है ना, पाँच सही निकला है ना जी। यहाँ ग्यारह चौक चौवालीस हुआ, चार छः हो गया, छः पच्चीस तीस, ठीक है पाँच आठ तीन ग्यारह। चलो आगे हम लोग टाइप नंबर पाँच चलते, टाइप नंबर पाँच थोड़ा आसान लग रहा है देखने में। दो बराबर चलता है तो इम्प्लाई जाता है इंटरनेट नहीं था क्या? यस सर। कितना बार भेजे भले नोबेल प्राइज नहीं जीत सकते मगर सब प्राइज जीत सकते। तुम भी मैथे सर हो ना इधर, आपका ग्रेजुएशन क्या है? शॉर्ट सिलेबस है फिर भी मैथ अच्छा है, मानना पड़ेगा आर्ट्स लेके भी। अब इंटर क्या बैकग्राउंड था? साइंस था, इंटर था मैथ फिर उसको सर डॉक्टरी लाइन उतर गए। ना ना कोई दिक्कत नहीं, आप डॉक्टरी लाइन उतर गए थे, हम टीचिंग लाइन उतर गए थे, हमको पढ़ाने के सिवा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगा, अभी भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता हमको। अभी सरकार बोल दे तुम खाली आओ अटेंडेंस बना के चल जाओ और उसके बाद हर दिन तुम सेवा करते रहो पढ़ाने में, हर दिन पढ़ाते हैं। एक अलग डीप इंक्लाइनेशन होता है डीप सेटिस्फेक्शन जो कहते हैं उसको, ये चीज़ होता है। एक घंटा भी पढ़ा लेते हैं लगता है तब पूरा फ्रेशनेस फील होता है, एक अलग चीज़ होता है, सबका अपना अपना लगाव होता है, समझ गए। इसलिए 2006 से करियर जो लोगे तो 2006 से लेकर ही तक हम लोग खाली बीच में दो साल मतलब लगभग डेढ़ साल जो हैदराबाद में हम रहे उसी बीच में हम खाली किसी को नहीं पढ़ाए, एक वहाँ लैंग्वेज जानते नहीं थे तेलुगु बोल नहीं सकते इसलिए हम नहीं पढ़ा पाए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं टाइप नंबर फाइव में, बहुत सिंपल है। अभी भी किन्हीं को कंफ्यूजन है रिलेटिव स्पीड ये सब जो लिखते हैं बी प्लस एस बी माइनस एस, तो बोलिए इधर से तुम्हारा क्या नाम है, समझ में आ रही है ना? चलिए इसमें देखिए जैसे कह रहा कि यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में, तो आपको जैसे धारा की दिशा बोले तो आपको समझना है बी प्लस एस है, क्या ये बी प्लस एस, और धारा के विरुद्ध जब चलेगा तो वो बी माइनस एस जाएगा हमेशा, समझ गया। और तब कह रहा है क्या कि धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाता है तो धारा की गति, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसको बनाइए, धारा की दिशा में जो है ये 100 किलोमीटर जा रहा है अब बटे 10, तो आपको ये समझना है कि 100 दूरी है 10 टाइम है, तो इसलिए इसका रिलेटिव स्पीड जो होगा क्या होगा बी प्लस एस होगा, बी प्लस एस बराबर कितना हो गया 10, बी प्लस एस 10 हो गया, और धारा के विरुद्ध जो है बी माइनस एस ये 75 किलोमीटर जाता है 15 घंटा में, काटोगे तो हो जाएगा कितना 5। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है धारा की गति क्या है स्ट्रीम, मनोरंजन जी बताइए इसका वैल्यू क्या होगा डायरेक्ट देख कर इसमें 2.5। बहुत अच्छा है, चले पीछे सही है कैसे किया 10 में पहुंच गया था कि भगा दो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा भी आसान, आप लोग बनाइए दूसरा नंबर को, सबका कॉपी देखते हैं, दो नंबर ट्राई कीजिए। दो नंबर ट्राई कीजिए, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में जाता है और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है तो धारा की गति क्या है, ठीक ना? आपको हमेशा किलोमीटर पर आवर में चलना है, तो आप फिलहाल कुछ देर के लिए जो है आप ऐसे भी चल सकते हैं चूंकि यूनिट आपका सेम है तो आप घबराइए नहीं, यहाँ पे धारा की दिशा में देखो बी प्लस एस जाएगा, धारा की दिशा में बी प्लस एस, बी प्लस एस मेरा क्या है चाल, चाल बराबर क्या लिखा जाता है दूरी बटे समय, दूरी 1 किलोमीटर जा रहा है और कितने समय जा रहा है 10,
ये हो गया 1/10। अब इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए तो मेरा हो जाएगा किलोमीटर और पर आवर होना चाहिए ना। इसको 60 से मिनट को 60 से भाग लगा दो, नहीं समझे? 10 मिनट है, 10 मिनट को 60 से भाग लगा दीजिएगा तो घंटा कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये पलट के 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 6 निकल गया, समझ गया। दूसरा है आपका बी माइनस एस जो है आपका 1 किलोमीटर जाएगा और ये 30 मिनट में जाएगा। तो 30 मिनट को क्या कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई। 60 से क्यों मल्टीप्लाई है समझ रहा है ना, क्योंकि इसको घंटों में बदलना। हाँ, 1/10/60 करोगे तो ये 60 पलट के फिर ऊपर चला जाता है, ठीक ना, यहाँ पे, इसलिए गुना हो रहा है। तो ये 30 दूरी क्या हो गया, 60 हो गया, समझ गए। तो B+S 6 हो गया, B-S 6 हो गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें, धारा स्ट्रीम पूछ रहा है। स्ट्रीम बताओ कितना होगा, दो किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छा। हाँ, हमको लगता है ये सब उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक। 8 घंटा में 40, 6 घंटा में 36। तो 4 नंबर तुम लोग देखो पर्यायवाची शब्द कितना अच्छा है, 4 नंबर। अनुप्रवाह देखिए 5.2। आप स्ट्रीम का मतलब हुआ कि धारा के विपरीत दिशा में आप जा रहे हैं, मतलब पानी इधर से बह रही है तो आप इधर से तैर रहे हैं, समझ गए। ये आप स्ट्रीम हुआ। और डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया आप जिधर पानी बह रही है उधर ही आप क्या कर रहे हैं, तैर भी रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वप्रवाह और इसको बोलते हैं अनुप्रवाह। हाँ बोलो, बन गया तुम लोग से 4 नंबर। सरिता का मतलब क्या होता है, नदी होता है। मतलब आपको स्ट्रीम का बोल रहा था, कितना सबसे निकल गया कितना निकला 5.2। एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्वप्रवाह में जाता है, मतलब बी में नजर आता है, ठीक है। हाँ, 40/8 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और 36/6 हो जाएगा। और सरिता का पूछ रहा है, एस का पूछ रहा है। सरिता का पूछ रहे थे, सही है, 0.5 निकला। हाँ हाफ मिनट तुम्हारा निकला, दोनों का जुड़वा कर। इसके बाद कल भी आप पूछे थे सरी कैसे बी का ई चिन्ह, मतलब माइनस वाले इक्वेशन में काम करते हैं, ठीक। बी का आगे भी चिन्ह क्या प्लस है, ई बराबर प्लस है, कि दोनों के साथ प्लस का रिलेशन करके दो से डिवाइड कर दो, करो और दो से करो डिवाइड, दो छोटा है दो डिवाइड करो, देखो अब देखो एस का चिन्ह क्या है, माइनस एस बराबर लिखो, घटाओ तो हमेशा पहुंच जाएगा एक को, फिर आधा करना, हमेशा आधा करने में भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 5 नंबर बनाना नहीं, अब इसमें से देखते जाओ तुम लोग कहाँ लटकोगे, ठीक है। 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर बन जाएगा तुम लोग से, ठीक। 8 के बाद इनका जो नंबर ही गड़बड़ आ गया, 13 फिर दिया ही पूरा उल्टे पुलटे कर दिया। देख लो एक बार, जो 14 नंबर तुम लोग बना के ट्राई करो, 14 नंबर मेरे तरफ से बनाओ।
एक ना धारा के और बना रहे तुम लोग, ठीक है। एक ना धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर/आवर है, धारा की गति क्या है? इतना तो सिंपल। इसमें कह रहा है कि जब धारा के साथ साथ मतलब बोट प्लस स्ट्रीम होगा और यह 18/3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। और शांत जल में स्पेसिफिक आपको दे दिया है कि 5 किलोमीटर/घंटा की चाल से चले, मतलब बोट आपको पहले से डिफाइन है 5 किलोमीटर/आवर। एस्टीम बताना है तो एस्टीम निकाल दो ना, तो 6 में 5 गया कितना, 1 किलोमीटर/आवर, क्या दिक्कत। उसी दिन ने समझा दिए, शांत जल बोले तो मतलब स्पेसिफिक उसको अलग करके निकाल दिया है, ठीक। शांत जल करने का मतलब सिंगल दिया है, नाव का बारे में केवल बोल रहा है, मतलब बोट का स्पीड भी, स्पीड जो है स्पेसिफिक भी बराबर 5 किलोमीटर/आवर है, समझ गए। जब धारा के साथ साथ धारा के विपरीत बोलेगा तो स्ट्रीम के साथ होता है। तो यहाँ बोल रहा है धारा के साथ साथ जो 18 किलोमीटर/3 घंटा में जाता है, 18 किलोमीटर दूरी हो गया, 3 घंटा समय हो गया, दूरी बटे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। और धारा के साथ साथ चाल हमको चलना है तो b+s = 6 और बी बराबर आपको लास्ट में बोल रहा है शांत जल में चाल कितना है, 5 किलोमीटर/आवर। तो नाव का है तो बी बराबर हो गया 5, तो बी बराबर 5 फुट करोगे तो 5+s = 6, इसलिए s = 6 - 5 = 1, ठीक। अब आगे देखते चलो, यहाँ से लेके डायरेक्ट 16 नंबर तक देख लो नीचे तक। सब बन जाएगा इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जानते हो इसका रिपीटेशन हो गया, ऊपर से जो कट पेस्ट करने में गड़बड़ कर दिया। चलो अंत वाला तो सब वाला कहा जाता, लास्ट नंबर तुम लोग बना दो। 17 नंबर लास्ट। स्थिर जल में मतलब स्पेसिफिक होता है नाव की चाल। धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर/घंटा है, मतलब धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर, ये स्ट्रीम जो है ये कितना है 1.5 किलोमीटर/आवर, क्लियर। आगे पढ़ो, जबकि एक नाव स्थिर जल में, उन नाव का बोल रहा है, बोट का स्पेशल बोल रहा है कितना, 6.5। स्थिर जल में जब भी बोलेगा मतलब वो अलग है, उसमें कोई इंक्लूडिंग स्पीड नहीं है, 6.5 किलोमीटर/आवर है। अब क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में स्पीड जो होता है मेरा क्या होता है, बताओ,
किताब नहीं लाए कोई आ जा रहे सुबह तुम तो लाते थे ना तुम टाइम ला रही है पड़ोसी का आदत पड़ गया तुम लोग इधर नहीं लेकर आते हम भी नहीं लेकर आए इसका इधर बैग भारी भारी है इसमें क्या लाई है कुछ कुछ नहीं है ठीक है मेरे पास है हम अपने मोबाइल से ही देखते हैं एक बार सरसरी निगाह से दोनों को देख लेते हैं आप लोग से जो है ना मल्टीपाई मतलब मल्टीपल टाइम वाला हम नहीं बनवा पाए इसलिए सोच रहे हैं एक दो क्वेश्चन को बनवाते हैं आप सबको क्या पढ़ा रहा था बोट एंड स्टीम चलो क्वेश्चन लिखो एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक स्टीमर नदी के धारा के अनुकूल एक स्टीमर नदी के धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान एक स्टीमर धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितने समय लेता है जितना समय लेता है उसके चार गुने समय धारा के प्रतिकूल वापस आने में लगता है धारा के प्रतिकूल आने में लगता है प्रतिकूल आने में लगता है स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए भाषा जब फंसाएगा मगर उसमें फंसना नहीं है स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर हो यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर हो और कुछ 6 किलोमीटर पर आवर हो बनाइए देख लेते हैं कुछ यूनिक बात नहीं मिलेगी हम करवा देंगे तुम लोग को देख रहे हैं कि शांत जल वाला जब बात आता है तो लोग घबराहट मतलब थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करने लगते बन गया सबसे ये अभी जस्ट हम जब शुरू शुरू में आए थे तो ये क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए आपको हमेशा ये देखना है किस क्वांटिटी के बीच जो है कंपेयर किया गया किसके बीच कंपेयर किया गया बताइए समय के साथ कंपेयर किया गया yes. समय लिखो ना एक निश्चित दूरी को कवर कर रहा है निश्चित दूरी को कवर करेगा किस से बी प्लस एस से एक बार क्लियर yes. एक बार निश्चित दूरी को करेगा बी माइनस एस से ऑब्वियसली हमेशा ज्यादा समय लेता है कौन धारा की विपरीत दिशा होगा इसका मतलब ये हमेशा क्या होता है छोटा होता है ये छोटा होता है ये भाई साहब 4 टाइम्स है इसलिए 4 हम किसमें गुना करेंगे इसमें गुना करेंगे समझ गए ये बराबर हो जाएगा अब आपका डी का कोई रोल नहीं है खत्म हो जाएगा अब यहाँ 4/1 चीज आपको यहाँ दिए हैं 6 दिए हैं स्ट्रीम है ना 6
संख्या दिए हुए ना, अब गुना करोगे तो ये हो जाएगा 4b-24 बराबर b प्लस आपका हो जाएगा 6, ये b इधर आकर हो जाएगा 3b बराबर 30, इसलिए b बराबर कितना निकल गया 24, 36, 3, तो 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो है आंसर, ये था ना पहले क्वेश्चन, अभी लिख लो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हम 7000 वाला बना रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ चल अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका क्या है, चलो लिखो। 7000 में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर, हाँ एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल तीन सौ 50 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, धारा के अनुकूल 350 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे ये शांत जल में नाव की चाल बोल रहा है, मतलब ये स्पेशल बी केवल दिया हुआ है, कितना 13 किलोमीटर पर आवर है और एस्ट्रीम आपको दिया है कितना 4 किलोमीटर पर आवर। एस्ट्रीम तो अकेले रहता है ठीक ना, बोट के साथ लोग कंफ्यूज करता है, शांत जल में नाव की चाल मतलब सिंगल बोट है, सिंगल क्या है बोट है, उसके साथ कोई इंक्लूडिंग स्ट्रीम नहीं है। अब यहाँ पे आपको चलना है, अब जैसे चलना होगा वैसा हम लोग स्पीड का क्या करेंगे निर्धारण करेंगे। अब आपको क्या कर रहा है धारा के साथ साथ, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ ही हुआ, धारा के साथ साथ जाने का मतलब बी प्लस एस से चलेंगे, किससे चलेंगे बी प्लस एस से, तो बी प्लस एस हो गया 17 किलोमीटर क्या पर आवर। अब इसमें हमको टाइम बताना है, तो टाइम बराबर हमेशा होता है डिस्टेंस अपॉन क्या स्पीड, डिस्टेंस आपका कितना हो गया 350 किलोमीटर बटे स्पीड कितना 17, तो 17 से काटोगे कितना बार में 50 बार में, मतलब 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 340 कर दो ना काम इसको अपने से बना रहे 17 × 34 20 घंटा में कटने वाला दे दो, 350 को 340 कर दो अपना पैसा नहीं दे जैसे इसको। हमको लगा क्या कि हम जो है ना 350 बोले, मेरा दिमाग रीड कर रहा है कि 50 ही बोले ठीक ना, 850 बोले, इसलिए एक बार हम काट भी दिए 17 × 50 रिजल्ट दे दिए हम ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का दे रहे हैं, क्वेश्चन है आपका किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल, हम दो तीन क्वेश्चन शांत जल वाला केवल ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं आप लोग को, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, 45 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर 45 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में, धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, धारा के विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगेगा।
देखो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दिया है कि करा शांत जल में मोटर की चाल, मोटर बोट की चाल कितना है 45 किलोमीटर पर आवर है, मतलब बी स्पेशल कर दिया कितना 45 किलोमीटर पर आवर, क्लियर इतना हो गया। अब एक आपको कंडीशन दे दिया है क्या, धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर जब जाता है तो उसे एक घंटा कितना लगता है 20 मिनट लगता है, तो धारा के अनुकूल जब जाओगे तो किस चाल से जाओगे, बी प्लस एस से जाओगे, और 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे एक घंटा 20 मिनट लग रहा है, तो एक घंटा 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो, एक घंटा 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेगा तो एक प्लस एक बटे तीन, कहेंगे 20 बटे 60 करेंगे तो 20 या 60 हो जाएगा, तो मतलब 4 बटे कितना हो गया 3, मतलब 4 बटे 3 से इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 80, 3 पलट के ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 से इसको काट दोगे 20 बार में, 20 दिया कितना हो गया 60। अब यहाँ से स्ट्रीम डिफाइन कर लो, क्या कि बी तुमको पहले से डिफाइन है, बी कितना है 45, तो यहाँ हो जाएगा 45 प्लस एस स्ट्रीम बराबर 60, इसलिए स्ट्रीम का तुम्हारा हो जाएगा कितना भयानक है 15 किलोमीटर पर आवर। तब आपको कह रहा है क्या कि धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी जाने में समय कितना लगेगा, है ना, तो टाइम आपको बताना है, टाइम इज इक्वल टू आपको जाना है फाइनली कितना 80 किलोमीटर गया था उस समय, 80 किलोमीटर जाना है लेकिन धारा के विपरीत दिशा में जाना है, धारा के विपरीत दिशा में किस चाल से जाइएगा, बी माइनस एस से, तो 80 है बटे बी माइनस एस तुम्हारा क्या है, बी तुम्हारा कितना निकाला है 45 और एस है 15, तो 45 में से 15 जाएगा कितना 30, 0 0 खत्म, तो 3 2 6 लगता बताए क्या, 3 2 6 बच गया 2/3, तो 2/3 को मिनट में कन्वर्ट कर लो 60 से गुना करके, तो 3 2 6 मतलब वो लगेगा 2 घंटा 40 मिनट, तैरता है गड़बड़ा गया, तैरता है समझे, तैरता है जबकि धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरता है, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरता है धारा की चाल से, हम बताए थे दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, सोचना है समझे, यहाँ पे आदमी है धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है, ऐसा काम हो रहा है ठीक ना, तो मतलब एक मेन है और स्ट्रीम, मेन प्लस स्ट्रीम जब पानी की तरफ जाते हैं दोनों स्पीड में क्या होता है जुट जाता है, तो मेन प्लस स्ट्रीम इसका जो कितना है 10 किलोमीटर पर, इसको हम बोले थे आपको वर्बली कि x प्लस वाई लिखने की आदत डालिए, x प्लस वाई मेरा क्या है 10 किलोमीटर पर आवर है, समझ गए, इस तरह का बात नहीं करेगा हम लोग, ये आगे वाला जो हमेशा क्या होगा आदमी का चाल होगा, नौका चाल होगा, कुछ भी होगा, मगर पीछे वाला हमेशा क्या होगा एसटी, इसमें खासियत ये होता है ना कि धारा की चाल जो है आदमी के चाल के बराबर हो सकता है मगर उससे बड़ा नहीं हो सकता, समझ गए, वैसे कंडीशन में क्या होगा मतलब आदमी तैर ही नहीं पाएगा, तैर पाएगा। अब यहाँ पर देखो ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, धारा की विपरीत दिशा में किससे चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो ये माइनस के साथ जो भी लिखा था वो हमेशा स्ट्रीम रहता, हमेशा स्ट्रीम रहता, खड़ा रहता है, तो इसका मतलब वाई डिफाइन करना है तो वाई बराबर जाएगा 10 प्लस 8 18 कितना है, वाई निकाल रहे ना, काट गया 2 1 किलोमीटर पर आवर, चलिए हो गया, ये क्वेश्चन और दे नोट से चले, पहला क्वेश्चन देख लो,
पहला क्वेश्चन इसी टाइप में कह रहा क्या है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब x प्लस वाई इस पर कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई जो है 6 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछ रहा है कि शांत जल में, देखिए यहाँ पर आ गया ना धारा का वेग और शांत जल में तैराक की गति, मतलब दोनों का सेपरेशन पूछ रहा है, तो एक्स वाई निकाल देना, एक्स जब निकाल दीजिएगा तो शांत जल में तैराक हो जाए, मतलब तैराक को कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगा तो प्रॉपर उस स्पीड से वो क्या करेगा तैर सकता है, समझ गए। तो एक्स निकाल दोगे तो एक्स कैसे निकलेगा, तो दोनों को जोड़ोगे 10, 6, 16 को 2 आधा करोगे कितना 8 किलोमीटर पर आवर, और वाई जब निकालोगे 10 में से 6 जाएगा 4, 4 को आधा करोगे 2 किलोमीटर पर आवर, समझ गए। चलिए दो नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी, देखिए धारा की दिशा में डायरेक्ट बोल रहा है 30 किलोमीटर की दूरी, दो घंटे 30 मिनट में कवर करता है, धारा की दिशा में कोई भी चीज़ जाएगा तो उसका चाल क्या होगा एक्स प्लस वाई, जिसमें वस्तु की चाल भी होगी और क्या होगा स्थिर भी होगी बराबर। जब आप चाल लिखते हैं तो क्या चाल क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ का रेशियो है, ये दूरी और समय का होता है, दूरी आपका यहाँ पर पहले से बोल रहा है 3 और समय आपका 2 घंटा 30 मिनट का मतलब हो गया, 2 घंटा 30 मिनट का मतलब 2.5 घंटा हो गया, तो ये 5/2 कितना हो गया, तो 5/2 से इसको क्या कर दी डिवाइड, बात समझ में आई है, ये चाल है धारा की दिशा में, तो कुल दूरी बटे क्या कुल समय, तो 5/6 काट दोगे 6 दूरी कितना हो गया 12। अब दूसरा कह रहा है क्या कि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी जाने, धारा के विपरीत जाओगे 30 चाल से जाओगे एक्स माइनस वाई से जाओ इतनी ही दूरी मतलब 30 किलोमीटर कितने से चल रही है 3 घंटा 45 मिनट, मतलब सेटर जो है आपको जो है ना चेक कर रहा है कि कैसा इंटीजर इसका, 3 घंटा 45 मिनट का मतलब हो गया 3 × 3/4, 1 घंटा का मतलब हो एक, तो 45 मिनट का मतलब 3/4, 4 × 12 = कितना हो गया 15, 15/2 कितना हो गया 4, सही है ना, 15 × 20 यही तुम का भी निकला है क्या, यही सब निकला है इसमें टाइम, ठीक है हम अभी दिमाग में क्या चल रहा है टाइम देखे बैठा हम, तो ये कैसे हो सकता है धारा के साथ 12 घंटा लग रहा है, धारा के साथ 12 घंटा, हम ये चीज़ सोच रहे हैं दोनों स्पीड निकल गया सर, धारा की दिशा में हो गया एक्स प्लस मतलब वाई जो है 12 घंटा और एक्स माइनस वाई निकल गया 8 घंटा, ये रिवर्स होकर 4 × 8 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है उसमें देखो धारा का वेग, धारा का वेग हम हमेशा देखो ये माइनस वाला जो पार्ट होता है वो धारा का होता है, हम ऐसे भी बोले जनरली जब लिखने के इसमें इस चैप्टर में खास कर आदर डाल दीजिए कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखेंगे तो वाई जो होगा हमेशा क्या होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा, समझ गए, इसलिए वाई हो जाएगा 12 + 8/2 कितना 2, 20/2 बराबर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर।
सब आदमी देखो सबके पास नोट्स है ना। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 3 बनाओ सब आदमी, बहुत आसान दिए, 4 नंबर दिए, 3 नंबर दिए, कितना है तुम्हारे को ये सारी भी चल गए, 3 नंबर कितना है शाम करने नाम भी चल रहा है एक्सिल करने को एकदम सही चल रही है एकदम पतले रहो ठीक है 24 तुमको ये समझना है। देखो यहाँ जिनको दिक्कत हो रही है जिनको दिक्कत होता है ये समझो कि x प्लस वाई क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है किसके दिशा में, धारा की दिशा में, और x माइनस वाई क्या है, ये धारा की विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड। जब स्पीड आपको लिखने के लिए दें तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बटे समय होता है तो आप क्या कीजिएगा, दूरी इसमें कितना कर रहा है 24 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटा में, कट के हो गया 6 और यही 24 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटा में, ये कट के हो जाएगा 4 समझ गए। अब आपको कह रहा है शांत जल में धारा का मतलब x का, तो x निकालोगे तो 6 प्लस 4 बटे कितना हो जाएगा, समझे। बन जाएगा 6 नंबर 7 नंबर, 7 नंबर तुम लोग बनाओ, किसमें दिक्कत है बोलो ना, किसमें फंसे हुए, 6 नंबर देख लो, 6 नंबर कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी सफर करता है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या, अभी क्वेश्चन में क्या है पूछा है, आपको सब जगह काम किया क्या किलोमीटर पर आवर काम किया, देखो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 6 नंबर बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर की दूरी जो तय की जाती है 48 मिनट में या धारा की विपरीत दिशा में तय किया जाता है, धारा की विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड आंख मूल के लिखो क्या x माइनस वाई, क्लियर, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 12 किलोमीटर ठीक है, मगर 48 किस में है मिनट में, तो इसको भी 60 से क्या करेंगे डिवाइड करके घंटा में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 12 × 60 अब बटे कितना 48 ठीक, तो 12 × 48 4 से काटोगे कितना 15, मतलब x माइनस वाई डिफाइन हो गया कितना 15। अब इसमें लास्ट में जाकर क्वेश्चन का कमर तोड़ दिया ये कि कह रहा है कि स्पीड ऑफ स्टीम मतलब y इज इक्वल टू कितना दिया गया है 2 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो कह रहा है कि बताइए शांत जल में नाव की गति क्या है, शांत जल में नाव की गति x, x क्या है, तो ये 15 प्लस हो जाएगा 2 बराबर कितना 17 किलोमीटर पर आवर। देखिए जब बोट और इस मतलब तैराक को और स्ट्रीम को सेपरेट कर देगा तो शांत जल की बात होगी, समझ गए, जब दोनों एक साथ इंक्लूड बोला जाएगा तो उसमें शांत जल की बात नहीं होती है, समझ गए, शांत जल का मतलब है सेपरेशन। आगे बोलो, हमको बोलने का मन नहीं है, एक हम देख लेते हैं यहाँ 12 तक में देखो कुछ हम लोग को लग रहा है, नंबर दो कह रहा है एक नाव का अनुप्रवाह की दिशा में, अनुप्रवाह मतलब समझे डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, समझे। आगे पढ़ो, अनुप्रवाह चला तो हो गया x प्लस वाई बराबर हो गया 30 / 2 15 हो गया,
चला गया, जबकि वापिस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। 20 किलोमीटर का दूरी, x-y हो जाएगा, मतलब 30 किलोमीटर की सफर करने में 6 घंटा, तो ये 5 हो जाता है। आपसे क्या पूछ रहे हैं भैया? सुनो, हाँ तुम्हीं से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।